بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق بسم الله الرحمن الرحيم Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Students of class 1, आज हमारा English A का नया lecture शुरू कर रहे हैं हम. Students, in previous lecture, we studied part 1 of unit number 6. Today, we will study part 2 of this unit, which is a poem, and the name of this poem is Sun and Moon. First of all, take out your English books, open page number 56. Students, मैं उम्मीद करती हूँ आपने अपनी इंग्लिश की किताब का पेज नंबर 56 पेज नंबर खोला होगा. स्टूडेंट्स, प्लीज़ कीप योर स्टेशनरी एंड नोट्स विद यू. आपको ये काम पीडीएफ नोट्स के ज़रिए भेजा जा चुका है. मैं उम्मीद करती हूँ आप वो नोट्स अपने सामने रखेंगे. जी, बुक पेज नंबर 56 पे हमारा आज का टॉपिक क्या है? सन एंड मून. हमारे टॉपिक का क्या नाम है? सन एंड मून. सन सूरज एंड मून और चांद. सन एंड मून ये एक पोएम है. स्टूडेंट्स, ये एक पोएम है सन एंड मून, जिसमें इस नज़्म में हमें किस बारे बताया गया है? हमें सूरज और चांद के बारे बताया गया है. बच्चों, आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है. ऐसा ही है ना? अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है. सूरज, चांद, सितारे, दरिया, पहाड़, ठीक है, दिन, रात, घर, ये सब चीज़ें जो हैं वो अल्लाह की नेमतें हैं. इन नेमतों में से दो बड़ी नेमतों का, दो बड़ी ब्लेसिंग्स का जिक्र यहाँ इस पोएम में किया गया है. और वो ब्लेसिंग्स कौन कौन सी हैं? सन एंड मून. इन्हें इजराम फलकी या सोलर बॉडीज़ कहते हैं. अरबी में सूरज को हम शम्स कहते हैं. क्या कहा जाता है अरबी में सूरज को? शम्स. अरबी में सूरज को शम्स कहा जाता है. और चांद को अरबी में कमर. क्या कहा जाता है? कमर कहा जाता है. ठीक है, शुरू करते हैं हम इस लेसन की रीडिंग. सन एंड मून, क्या टॉपिक है हमारा? सन एंड मून. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट वर्ड्स टू नो. वर्ड्स टू नो, जो लव्स, जो अल्फाज हमें दिए गए हैं उनके बारे हम जानेंगे. वर्ड्स टू नो यानी अल्फाज के बारे जानना. बीनीथ, बीनीथ मीन्स नीचे. Lower than or under someone or something. जी, lower than mean कम, किसी चीज़ से कम. और under someone or something यानी किसी चीज़ से या किसी से नीचे. ठीक है, जैसे आप कहने के टेबल के नीचे कोई चीज़ हो तो आप कहते हैं ना beneath the table. इसी तरह किसी चीज़ से नीचे. blow out, BLOW, blow, OUT, out, blow out. Blow out means
बुझाना, ब्लो आउट मीन्स बुझाना, टू पुट आउट अ फायर और लाइट, टू पुट आउट अ फायर और लाइट, कि किसी मतलब लाइट कहते हैं हम बत्ती को, रोशनी को, और फायर आग को, कि किसी आग को या रोशनी को बुझाना, पुट आउट बुझाना। ब्राइट, बी आर आई जी एच टी, ब्राइट। नंबर थ्री क्या है? ब्राइट, बी आर आई जी एच टी, ब्राइट। ब्राइट कहते हैं चमकदार, रोशन, चमकदार। विद अ लॉट ऑफ लाइट, जी बहुत ज़्यादा रोशनी के साथ। नंबर फोर, गोल्ड, जी ओ एल डी, गोल्ड, गोल्ड सोना, ये तो हर शख्स ही वाकिफ है, गोल्ड सोना। अ येलो मेटल विच इज़ वेरी वैल्यूएबल, जी अ येलो मेटल, मेटल कहते हैं धात को, अ येलो मेटल, एक पीली धात या जर्द धात, विच इज़ वेरी वैल्यूएबल, वैल्यूएबल कहते हैं बेश कीमत को, कीमती, ठीक है, विच इज़ वेरी वैल्यूएबल, जो कि बहुत बेश कीमत है या कीमती है। नंबर फाइव, हंग, एच यू एन जी, हंग, हंग कहते हैं लटकाया गया, जैसे हम कहते हैं ना हैंग, कपड़े हैंग, हैंगर में हैंग कर दें किसी ड्रेस को या किसी कपड़े को, तो ये उसकी सेकेंड फॉर्म है हंग, हैंग लटकाना, हंग लटकाया गया। टू बी फिक्स्ड एट द टॉप सो दैट द लोअर पार्ट इज फ्री, जी टू बी फिक्स्ड एट द टॉप यानी ऊपर की तरफ फिक्स करना या लगाना, सो दैट द लोअर पार्ट इज़ फ्री, ताकि निचला हिस्सा खाली हो जाए। अब आप देखें, आप कबर्ड में कपड़े हैंग करते हैं, तो आप ऊपर जो एक रॉड सी लगी होती है उसी पर कपड़े हैंग करते हैं, नीचे वाला पोर्शन तो खाली हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है लैंटर्न्स, एल ए एन लैन टी ई आर एन जेड, टर्न्स, लैंटर्न्स, लालटेन, इसे उर्दू में क्या कहा जाता है? लालटेन, अ लाइट इन अ कंटेनर मेड ऑफ ग्लास और पेपर दैट यूजली हैज़ अ हैंडल फॉर कैरिंग, अ लाइट इन अ कंटेनर मेड ऑफ ग्लास और पेपर, एक कंटेनर होता है जिसके अंदर रोशनी होती है, मेड ऑफ ग्लास, या तो शीशे का बना होता है और पेपर या कागज़ का, दैट यूजली हैज़ अ हैंडल फॉर कैरिंग, हैंडल किस लिए होता है, अमूमन चीज़ों पर हैंडल होता है, किस लिए होता है, उस चीज़ को उठाने के लिए, तो वो बता रहे हैं कि इसके ऊपर आम तौर पर हैंडल होता है इसे उठाने के लिए। स्टूडेंट्स, लैंटर्न्स यानी लालटेन पहले ज़माने में इस्तेमाल हुआ करती थी, जहाँ पर जिन इलाकों में रोशनी नहीं होती थी, जिन इलाकों में बिजली नहीं होती थी, वहाँ पर लालटेन का इस्तेमाल किया जाता था, इसके अंदर थोड़ा सा तेल डालकर तो इसे जलाया जाता था रोशनी के लिए, और इसके ऊपर एक हैंडल बना होता है इसे उठाने के लिए, ठीक है। जैसे गांव के लोग खेतों में जाने लगे अगर रात को, रात के वक्त या शाम के वक्त, तो वो लालटेन लेकर जाते थे। अभी भी बहुत सी जगहों पर, बहुत से घरों में होता है, लालटेन होता है, जैसे अगर लाइट चली जाए तो इसको जला लिया जाता है रोशनी के लिए। लास्ट है सिल्वर, एस आई एल वी ई आर, सिल्वर, सिल्वर कहते हैं चांदी को, अ शाइनी ग्रे मेटल दैट इज़ वैल्यूएबल, अ शाइनी ग्रे मेटल, एक चमकदार सुरमई धात, ग्रे कहते हैं सुरमई को, मेटल धात, दैट इज़ वैल्यूएबल, वैल्यूएबल बेश कीमत या कीमती, अ शाइनी ग्रे मेटल दैट इज़ वैल्यूएबल, एक चमकदार सुरमई धात जो कि बेश कीमत है या कीमती है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरे साथ फिंगर रख के पढ़ेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहले हम पोएम पढ़ेंगे,
उसके बाद मैं दोबारा फिर पढ़ूंगी ताकि और ट्रांसलेशन उसकी करूंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो. द मून शाइन्स क्लियर एज सिल्वर. द सन शाइन्स ब्राइट एज गोल्ड. एंड बोथ आर वेरी लवली एंड वेरी वेरी ओल्ड. God hung them up as lanterns for all beneath the sky, and nobody can blow them out, for they are up too high. The moon shines clear as silver. The moon, chand, शाइन्स चमकता है क्लियर शफाफ या साफ एज सिल्वर चांदी की तरह. चांद चांदी की तरह शफाफ या साफ चमकता है. सिल्वर कहते हैं चांदी को जो कि एक धात है, ठीक है. चांद चांदी की तरह शफाफ चमकता है. द सन शाइन्स ब्राइट एज गोल्ड. सॉरी, The sun shines bright as gold. The sun shines. सूरज चमकता है. Bright as gold. सोने की तरह चमकदार. सोना भी एक धात है और आप जानते हैं कि ये एक बेशकीमत और कीमती धात है, ठीक है. चांदी भी एक धात है, कीमती धात है, लेकिन उतनी कीमती नहीं जितना के सोना. गोल्ड एक ज़्यादा कीमती धात है. सूरज सोने की तरह चमकदार. ब्राइट कहते हैं चमकदार, चमकता है. एंड बोथ आर वेरी लवली. और दोनों बहुत प्यारे हैं. एंड वेरी वेरी ओल्ड. और बहुत बहुत ज़्यादा कदीम हैं. हम में से कोई नहीं बता सकता कि सूरज और चांद कितने पुराने हैं, ठीक है. God hung them up as lanterns. God यहाँ पर उन्होंने वर्ड यूज़ किया है, लेकिन अल्लाह ताला को कहा गया है. स्टूडेंट्स, आपको मैंने पहले भी ये बात बताई थी, आज फिर बता रही हूँ कि God की जगह अल्लाह Almighty वर्ड यूज़ किया करें, ठीक है. उर्दू में अल्लाह ताला और इंग्लिश में अल्लाह Almighty वर्ड यूज़ किया करें, ठीक है. God hung them up as lanterns, कि अल्लाह ताला ने उन्हें लालटेन की तरह ऊपर लटका दिया है. आसमान पर ही है ना सूरज और चांद, हमें तो नहीं पता कि वो किस चीज़ से जुड़े हुए हैं, किस चीज़ से लटके हुए हैं. अल्लाह ताला ने उन्हें वहाँ पर लगाया. For all beneath the sky, जी आसमान से नीचे अल्लाह ताला ने लालटेन की तरह उन्हें ऊपर लटकाया है, लेकिन आसमानों से नीचे. एंड nobody can blow them out, और उन्हें कोई नहीं उड़ा सकता, कोई नहीं उन्हें बुझा सकता. ब्लो का मतलब होता है उड़ाना, लेकिन ब्लो आउट बुझाना भी कहते हैं. जब आप किसी आग को बुझा रहे होते हैं तो ब्लो मींस बुझाना, लेकिन जब आप फूंक मार के जैसे आप फूंक मारते हैं ना, मोमबत्ती जल रही है आप फूंक मारते हैं, तो इट मींस के ब्लो कर रहे हैं, आप फूंक मार के किसी चीज़ को उड़ा रहे हैं या बुझा रहे हैं. फॉर दे आर अप टू हाई, क्योंकि वो इतने बुलंद हैं. फॉर दे आर अप टू हाई, क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पर हैं, वो इतनी बुलंदी पर हैं कि उन्हें कोई भी नहीं बुझा सकता, कोई भी उन्हें नहीं उड़ा सकता. शार्लेट ड्रुइट कॉल, इस पोएम के राइटर का नाम है शार्लेट ड्रुइट कॉल. स्टूडेंट्स, हमारी रीडिंग कंप्लीट हो गई है. मैं उम्मीद करती हूँ रीडिंग में आपको अच्छे से समझ आ गई होगी. अब हम आते हैं नोटबुक कॉपी वर्क की तरफ, ठीक है. स्टूडेंट्स, अपने पीडीएफ नोट्स अपने सामने रखें.
साथ साथ पढ़ें ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले हैं वर्ड्स मीनिंग्स। वर्ड्स मीनिंग्स। नंबर वन, बीनीथ, बी ई एन ई ए टी एच, बीनीथ। बीनीथ मीन्स नीचे, यानी किसी भी चीज़ से नीचे। जैसे हम अंडर कहते हैं ना, अंडर वर्ड यूज़ करते हैं ना, मीन्स नीचे, अंडर द टेबल, अंडर द चेयर। इसी तरह बीनीथ का मतलब भी है नीचे, यानी किसी चीज़ से नीचे। नंबर टू, ब्राइट, बी आर आई जी एच टी, ब्राइट। ब्राइट किसे कहा जाता है? चमकदार को। ब्राइट, चमकदार। ब्राइट, चमकदार। नंबर थ्री, गोल्ड, जी ओ एल डी, गोल्ड। गोल्ड कहते हैं सोना। मैंने आपको बताया ये एक धात है और एक कीमती धात है, गोल्ड, सोना। हंग, एच यू एन जी, हंग, लटकाया। जैसे हैंग का मतलब है लटकाना, हंग लटकाया। सेकंड फॉर्म आ गई तो लटकाया, यानी ये काम किया। जैसे आप कपड़े हैंग करते हैं हैंगर में, इसी तरह उसकी सेकंड फॉर्म है हंग, लटकाया। सिल्वर, एस आई एल वी ई आर, सिल्वर। सिल्वर मीन्स चांदी। ये भी एक धात है, कीमती धात है, लेकिन ज़्यादा कीमती नहीं है। ज़्यादा कीमती धात कौन सी है? गोल्ड है, सोना है। नेक्स्ट है डिक्टेशन वर्ड्स। क्या है? डिक्टेशन वर्ड्स। नंबर वन, बीनीथ, बी ई एन ई ए टी एच, बीनीथ। बीनीथ मीन्स नीचे। नंबर टू, ब्राइट, बी आर आई जी एच टी, ब्राइट। नंबर थ्री, ब्लो आउट, बी एल ओ डब्ल्यू, ब्लो, ओ यू टी आउट, ब्लो आउट। नंबर फोर, हंग, एच यू एन जी, हंग। नंबर फाइव, सिल्वर, एस आई एल वी ई आर, सिल्वर। नंबर सिक्स, लैंटर्न्स, एल ए एन टी ई आर एन एस, लैंटर्न्स। बीनीथ, ब्राइट, ब्लो आउट, हंग, सिल्वर, लैंटर्न्स। जी, हमारे वर्ड्स मीनिंग्स और डिक्टेशन वर्ड्स हो गए। अब हैं क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है? क्वेश्चन नंबर वन क्या है? व्हाट शाइन्स लाइक सिल्वर। जी, अभी हमने पोएम की रीडिंग की और उसमें हमने क्या पढ़ा था कि चांदी की तरह शफाफ क्या चीज़ चमकती है? आंसर, द मून शाइन्स लाइक सिल्वर, कि चांद चांदी की तरह चमकता है। क्या चीज़ चांदी की तरह चमकती है? द मून, चांद। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट शाइन्स लाइक गोल्ड। जी, सोने की तरह क्या चमकता है? द सन शाइन्स लाइक गोल्ड। हमने अभी पोएम में पढ़ा, द सन शाइन्स ब्राइट लाइक एज गोल्ड, के सोने की तरह चमकदार क्या चीज़ है? सूरज है। द सन शाइन्स लाइक गोल्ड, सूरज चमकता है लाइक गोल्ड, सोने की तरह। द सन शाइन्स लाइक गोल्ड। क्वेश्चन नंबर थ्री इज, हु हंग अप द लैंटर्न्स। जी, किसने लालटेन को लटकाया है? लालटेन यहाँ पे किस चीज़ को कहा जा रहा है? चांद और सूरज को कहा जा रहा है, कि लालटेन की तरह किसने उन्हें ऊपर लटकाया है? आंसर, अल्लाह ऑलमाइटी हंग अप द लैंटर्न्स, कि अल्लाह ताला ने लैंटर्न्स को ऊपर लटकाया है। क्वेश्चन नंबर फोर इज, हु कैन ब्लो देम आउट, कि इन्हें कौन उड़ा सकता है या कौन इन्हें बुझा सकता है? आंसर, नोबडी कैन ब्लो देम आउट, कि कोई भी उन्हें नहीं उड़ा सकता या नहीं बुझा सकता।
ये तो हम सभी जानते हैं कि चांद और सूरज इतनी दूर हैं कि उन्हें कोई भी ब्लो आउट यानी फूंक मार के ना बुझाया जा सकता है ना उड़ाया जा सकता है। स्टूडेंट्स, अब है आपका बुक पेज नंबर 57। बुक पेज नंबर 57 पे आप देखें, बी पार्ट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज यानी ज़ुबान के बारे सीखना। क्वेश्चन वन है इसमें, रीड द सेंटेंसेस एंड टर्न देम इनटू क्वेश्चंस। जी, जुमलों को पढ़ें और उन्हें सवालात में तब्दील करें। राइट देम इन योर नोटबुक, अपनी कॉपीज में इसे लिखें। स्टूडेंट्स, यहाँ बोर्ड पर इस वक्त मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चंस लिख कर दिए हैं, ये काम आपको पीडीएफ नोट्स में भेजा जा चुका है। आप नोट्स अपने सामने रखें, हम इसका सवाल बुक से पढ़ेंगे और जवाब यहाँ बोर्ड पर मैंने लिखा है वो आप देखेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल है, अ बर्ड कैन फ्लाई। एग्जाम्पल कहते हैं मिसाल को, मिसाल इसलिए दी जाती है ताकि बात को समझने में आसानी रहे। अ बर्ड कैन फ्लाई, अब कहा जा रहा है कि इसको सवाल में तब्दील कर दें। तो आप देखें जो कैन है वो सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा, कैन सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा। कैन अ बर्ड फ्लाई क्वेश्चन मार्क, जब हमने एक सेंटेंस को क्वेश्चन में तब्दील किया तो उसके लास्ट में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, ये बात लाजमी याद रखें कि जब हम क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, किसी से कोई सवाल पूछते हैं, तो आखिर में एंड में क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाते हैं। ठीक है जी, नंबर वन क्या है, यू कैन ब्लो देम आउट, कि तुम उन्हें उड़ा सकते हो। अब इसी को जब हमने क्वेश्चन में चेंज करना है, टर्न देम इनटू क्वेश्चंस, क्या कहा जा रहा है, सवालात में बदलें। अब इसी जुमले को जब हमने सवाल में बदलना है तो कैन को हम जुमले के शुरू में लिख देंगे। ठीक है, कैन को हम जुमले के शुरू में लिख देंगे। सेंटेंस स्टार्ट किससे किया जाएगा, कैन से, कैन यू ब्लो देम आउट। आप देखें बाकी सारा सेंटेंस वही रहा है, सिर्फ एक वर्ड कैन सेंटेंस के शुरू में आ गया है। कैन यू ब्लो देम आउट क्वेश्चन मार्क। नंबर टू, अ फार्मर कैन ब्लो अ फील्ड, जी कि किसान खेत में हल चला सकता है। तो सेम एज अबव, कैन स्टार्ट में आ जाएगा और बाकी सेंटेंस वही रहेगा, कैन अ फार्मर प्लो अ फील्ड क्वेश्चन मार्क। अब आप देखें कि जब हमने पढ़ा अ फार्मर कैन प्लो अ फील्ड कि क्या किसान खेत में हल चला सकता है, लेकिन जब हमने कैन को शुरू में किया तो ये एक सवालिया जुमला बन गया और इसका जो ट्रांसलेशन है वो क्या बनी कि क्या किसान खेत में हल चला सकता है। आप देखें बात का मतलब तब्दील हो गया है, एक तरफ वो सवाल बन जाता है और दूसरी तरफ वर्ड आगे कर देने से जवाब बन जाता है। नंबर थ्री, अ टाइगर कैन कैच अ डियर, फिर वही कैन स्टार्ट में आ जाएगा और बाकी जुमला वैसे ही आएगा, कैन अ टाइगर कैच अ डियर क्वेश्चन मार्क। नंबर फोर, अ हॉर्स कैन नॉट सिंग, जी कि घोड़ा गाना नहीं गा सकता। तो इसमें सिर्फ एक चीज़ है कि जहाँ कैन नॉट है वहाँ कैन आप स्टार्ट में कर देंगे और नॉट को आप इसमें से कट कर देंगे सेंटेंस में से, तो क्या बन जाएगा, कैन अ हॉर्स सिंग, कि क्या घोड़ा गा सकता है। हमसे सवाल पूछा जा रहा है क्या घोड़ा गा सकता है।
जी स्टूडेंट्स, अब आपका बुक पेज नंबर 58 पे आएं। बुक पेज नंबर 58 पर आएं। बुक पेज नंबर 58 पे आप देखें, एक्टिविटी है, सी पार्ट है एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर वन क्या है? मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए टू देयर ऑपोजिट्स इन कॉलम बी। ऑपोजिट्स आपको कहते हैं मुखालिफ यानी मुतजाद अल्फाज यानी उलट अल्फाज। कॉलम ए हाई, गुड, अप, स्मॉल, डल, नियर। कॉलम बी बिग, ब्राइट, फार, लो, बैड, डाउन। जी, अब हमने क्या करना है, हमने इनको इनके मुतजाद अल्फाज यानी उलट अल्फाज देखकर उससे मैच करना है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको एक बात बताऊं कि जब मैचिंग करने लगें तो आपके पास स्केल और पेंसिल दोनों चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। पेंसिल से तो आप मैच करेंगे ही, लेकिन आपके पास स्केल यानी रूलर लाजमी होना चाहिए ताकि आप जब मैच करें तो आपकी लाइन सीधी आए, खूबसूरती के साथ आप ये काम करें। टेढ़ी मेढ़ी लाइन लगाएंगे, गलत के साथ मिल जाएगा या कहीं और आप सही भी मिलाना चाह रहे हैं, आपकी लाइन कहीं रह जाती है तो वो तो गलत हो गया। अगर इसी काम को आप स्केल की मदद से करेंगे तो आपका काम परफेक्ट होगा और ख़ूबसूरती के साथ होगा। जी, तो सबसे पहला क्या है? हाई। हाई कहते हैं बुलंद या ऊंचा। अब इसका ऑपोजिट हम देखते हैं बिग, बड़ा, नो, ब्राइट, चमकदार, नहीं, इसका उलट ये तो नहीं हो सकता, फार, दूर, नहीं, लो, कम। जी, हाई ऊंचा, लो नीचे या कम को कहा जाता है, तो हम हाई को लो के साथ मैच करेंगे। क्या करेंगे? हाई को लो के साथ मैच करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप स्केल की मदद से ही मैचिंग करेंगे। नेक्स्ट है गुड। गुड का मतलब क्या है? अच्छा। गुड का क्या मतलब है? अच्छा। बैड, बुरा। गुड, बैड, गुड, बैड। गुड को हम बैड के साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट है अप। अप कहते हैं ऊपर। अप मीन्स ऊपर। डाउन, इसका ऑपोजिट क्या है? डाउन। डाउन मीन्स नीचे। ये तो हमने अभी रिसेंटली पोएम भी पढ़ी है, अप एंड डाउन पढ़ी है ना हमने, ये वाली पोएम अप एंड डाउन, तो उसमें हमने यही पढ़ा था ऊपर और नीचे। नेक्स्ट है स्मॉल। स्मॉल मीन्स छोटा, बिग बड़ा, स्मॉल बिग, स्मॉल बिग। नेक्स्ट है डल। डल कहते हैं जैसे कोई चीज़ मध्यम होती है, हल्की होती है, और ब्राइट चमकदार, रोशन, ठीक है, ब्राइट, डल, ब्राइट। नेक्स्ट वर्ड है नियर। नियर मीन्स नज़दीक, पास या करीब, और फार। फार का क्या मतलब है? दूर। फार का क्या मतलब है? दूर, तो इसका ऑपोजिट यही हुआ ना, नियर, फार। ये थे हमारे वर्ड्स ऑपोजिट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू, वर्क विद अ फ्रेंड एंड ट्राई टू मेक सम पेयर्स ऑफ योर ओन, then can they can be things that are the same as each other or things that are opposites। जी, work with a friend, एक दोस्त के साथ मिल के काम करें, and try to make some pairs, और कुछ जोड़े बनाने की कोशिश करें of your own यानी अपनी मर्जी के। they can be things, वो चीज़ें हो सकती हैं, that are the same, जो एक जैसी हों, as each other यानी एक जैसी हो, और things that are opposites और जो मुखालिफ हों। examples उन्होंने हमें दी हैं the same। the same में उन्होंने हमें पहली example दी है bright and shiny, दोनों का क्या मतलब है? चमकदार और रोशन।
सेकंड है बिग एंड स्ट्रॉन्ग, यानी बड़ा और मजबूत। ये सेम वर्ड सेम मीनिंग्स हैं इनके। जैसे आप देखते हैं कोई चीज़ बड़ी होती है तो वो मजबूत भी होती है, ताकतवर भी होती है, भारी भरकम होती है, ठीक है। इसी तरह ब्राइट एंड शाइनी, चमकदार और रोशन होती है। अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, और कौन सा हम वर्ड बना सकते हैं। हम लिख सकते हैं ईजी एंड सिंपल, ईजी एंड सिंपल, ईजी एंड सिंपल यानी आसान और सादा। ईजी का मतलब आसान भी है और सिंपल का मतलब भी आसान या सादा हो सकता है, ठीक है। आसान और सादा इन दोनों का सेम मीनिंग हो सकता है, ईजी आसान, सिंपल सादा। नेक्स्ट हम करेंगे हॉट एंड बर्न, ठीक है। हॉट एंड बर्न, बी यू आर एन, बर्न, हॉट एंड बर्न। हॉट गर्म और बर्न जला हुआ। तो जला हुआ हमें पता है कि गर्म है तो जला हुआ है ना, और हमें पता है कि एक चीज़ ज़्यादा गर्म होगी तो वो जल जाएगी। तो दोनों वर्ड्स का एक ही मतलब आ जाता है, एक ही मायने देती हैं ये बातें। नेक्स्ट है क्वाइट एंड साइलेंट, क्यू यू आई ई टी, क्वाइट एंड साइलेंट, एस आई एल ई एन टी, साइलेंट यानी खामोश। क्वाइट एंड साइलेंट, क्वाइट का मतलब भी खामोशी है और साइलेंट का मतलब भी खामोशी है। जैसे अगर आपको टीचर आपको क्लास में कहती हैं बी क्वाइट, खामोश हो जाओ, कीप साइलेंस, खामोशी रखो, तो एक ही मतलब हुआ इन बातों का। अब नेक्स्ट कॉलम में है नॉट द सेम, यानी एक जैसे ना हो, ऑपोजिट्स हो। तो ऑपोजिट्स में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले एग्जांपल उन्होंने हमें दी है शॉर्ट एंड टॉल, यानी छोटा और लंबा, गुड एंड बैड, अच्छा और बुरा। हम लिखेंगे बिग एंड स्मॉल, आप देखें कि बिग एंड स्मॉल ऑपोजिट्स ही है ना, बिग एंड स्मॉल ये दोनों ऑपोजिट हैं, बिग बड़ा, स्मॉल छोटा। नेक्स्ट है नियर एंड फार, नियर एंड फार। नियर कहते हैं करीब को, नज़दीक को या पास को, और फार कहते हैं दूर को। फार किसे कहते हैं, दूर को। नेक्स्ट है हाई एंड लो, यानी ज़्यादा और कम, हाई ज़्यादा, लो कम, हाई ऊंचा, लो नीचे, ठीक है। ये ऑपोजिट हो गए आपके पास। तो इसके लिए नॉट द सेम के लिए और भी एग्जांपल्स मौजूद हैं, आप यहाँ से अप एंड डाउन लिख सकते हैं, आप डल एंड ब्राइट लिख सकते हैं, आपके तो कॉलम में ही इसके लिए एग्जांपल्स मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, हमारा यूनिट नंबर 6 का पार्ट 2 पॉइंट सन एंड मून कंप्लीट हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी इस लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।